में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम आपके लिए लाए हैं अब तक की एक एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही बड़ी न्यूज़, हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू। जी हाँ, हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, देश का पहला राज्य बना। हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मंगलवार देर शाम राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। नीति लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 43 सदस्यों की टास्क फोर्स गठित की है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेज के शिक्षक सदस्य होंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि टास्क फोर्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, वित्त, युवा और खेल सेवाएं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष और हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष HPU के अलावा क्लस्टर VV मंडी, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सोलन और डाइट शिमला के प्रिंसिपल भी सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्यों में CU धर्मशाला के कुलपति, कई शिक्षक, शिक्षाविद शामिल किए गए। तो हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अब जो है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। आपके BEd के कोर्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और हाल ही में जो DLED की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है या आगे कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि नई राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो है इसमें कुछ फेरबदल किए जा सकते हैं। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट न्यूज़। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अचीवर्स पॉइंट सुरुआ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।